हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस क्यू एन ए एपिसोड में आज आपके जो सवाल है उसके जवाब मैं आज देने वाला हूँ आपको। तो सवाल आपके, जवाब मेरे। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे आपके सवाल आए हैं मेरे पास, Asus Zenfone Max Pro M1, M2 और Redmi Note 7 Pro और Max Pro M2 को लेके। तो यहाँ पे जो है आज के जो मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं एक ही बार, उसके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल ले लेते हैं हम, जो है हमारे पास राहुल कुमार पूछते हैं, इसका जो है फ्रंट कैमरा जो है अभी बहुत ही ख़राब हो चुका है Zenfone Max Pro M1 का। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जो है अभी ये पाई बीटा है, इसलिए अभी आपको यहाँ पे वेट करना होगा। अगर आप जो है बीटा में हैं तो आपको जो है ये अभी यहाँ पे इसमें जो है इतना खास जो है क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है Asus ने अभी जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 15 अप्रैल से पहले पहले हमें जो है इसमें स्टेबल पाई अपडेट देखने को मिल जाएगा। और दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो है इसमें कैमरा API 2 इनेबल होगा या नहीं। तो जी हाँ, Asus ने यहाँ पे जो है लेटेस्ट अपडेट की बात की है जिसमें कैमरा API 2 भी जो है हमें 100% देखने को मिलने वाला है, जिसके ज़रिए आप जो है जी कैम को भी यूज़ कर पाएंगे, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया पिक्स आपको जो है देखने को मिल सकती है फ्रंट और रियर में। और यहाँ पे जो है Zenfone Max Pro M1 का कैमरा ख़राब नहीं है गाइस, यहाँ पे जो है कुछ सॉफ्टवेयर की बिगाड़ है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जो है इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। और अब उसके बाद यहाँ पे जो है बहुत सारे यूज़र्स को जो है Max Pro M1 में जो है बैटरी ड्रेन का इश्यू आ रहा है। तो वो कह रहा है कि हमने जो है ओरियो में यहाँ पे अपडेट लिया था 3.4.0 वाला, जहाँ पे उसके बाद जो है बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। तो गाइस यहाँ पे हो सकता है ये बग्स हो, लेकिन अगर आप जो है इसको फिक्स करना चाहते हैं तो आप जो है इसको बैटरी कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है आपकी बैटरी को जो है 100 से लेके 0 तक के जो है पूरा डिस्चार्ज कर लेना है। उसके बाद आप जो है उसको चार्ज कर ले 100 तक। उसके बाद एक ऐप आती है बैटरी कैलिब्रेशन की, जहाँ पे आप जो है प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपकी बैटरी को कैलिब्रेट कर ले, जो आपकी बैटरी का प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं, आपका जो डेटा है उसको बैकअप ले ले और उसके बाद आपके फ़ोन को एक बार हार्ड रिसेट कर ले, तो यहाँ पे भी जो है बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ऐसा कई मरतबा Asus के साथ हुआ है। उसके बाद मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि हमने यहाँ पर जो है Zenfone Max Pro M1 और M2 में जो है पाई बीटा अपडेट कर लिया है, क्या हमें जो है दोबारा से जो है स्टेबल में जाना होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं आपको जो है स्टेबल वाला अपडेट मिल जाएगा, अगर आप बीटा में भी है या फिर स्टेबल में है। अगर आप ओरियो यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है पाई वाला अपडेट मिल जाएगा, और उसके बाद अगर आप बीटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी जो है एक OTA अपडेट मिल जाएगा, जो स्टेबल अपडेट रहेगा एंड्रॉयड पाई का। अब इसके बाद बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये है कि इस फ़ोन में हमें जो है नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइस मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि इस बार भी जो है नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आई होप इस स्टेबल अपडेट में जो है ये देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेटिव वीडियो कॉलिंग की। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले मौजूद था, उसको हटा दिया गया है, तो ऐसे इसको कर सकता है कि यहाँ पे इसको इनेबल कर दे। विनायक खत्री और अजय भाई कहते हैं हमें यहाँ पे जो है पबजी, तो पबजी की सेटिंग में यहाँ पे जो है HD ग्राफिक्स अब जो है नहीं देखने को मिल रहा है इस पाई बीटा में, लेकिन यहाँ पे जो है स्टेबल में हमें जो है HD ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आप जो है टेंशन ना ले, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेबल में आपको जो है HD ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि Asus इस बार जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उन्हें जो है बहुत ज़्यादा गालियाँ खाना पड़ी सच में। यहाँ पे जो है उन्होंने अपना जो है प्रॉमिस तोड़ा था और यहाँ पे इस बग्स की वजह से जो है इतना सारा उन्हें झेलना पड़ा। तो गाइज यहाँ पे Asus जो है काफ़ी अच्छी एक कंपनी है, लेकिन क्या होता है सॉफ्टवेयर की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हमें जो है गड़बड़ देखने को मिलती है। तो आई होप नेक्स्ट इस स्टेबल अपडेट में जो है 15 अप्रैल को उससे पहले पहले जो हमें मिल जाएगा, तो वहाँ पर जो है HD ग्राफिक जो है पबजी में देखने को मिल जाए। और यहाँ पे जो है राहुल यादव कहते हैं कि मेरे Zenfone Max Pro M1 में जो है हॉटस्पॉट नहीं चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो है हॉटस्पॉट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके फ़ोन में ये नहीं चल रहा है तो आपका फ़ोन एक बार रीस्टार्ट करके देख ले, या फिर जो है आपकी सेटिंग वगैरह को देख ले कि वो सही से है या नहीं,
क्योंकि मैं जो अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट चला पा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जो है कुछ यूज़र्स को दिक्कत जा रही है और कुछ को नहीं। तो यहाँ पे हो सकता है ये कुछ बग्स या फिर हमारे फ़ोन की सेटिंग्स है जिसके वजह से यहाँ पे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को जो है इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि जो है ASUS जो है 15 अप्रैल से पहले पहले हमें जो है स्टेबल पाई अपडेट दे दे। तो गाइस यहाँ पे जो है ASUS इस बार जो है सीरियसली हमें जो है पाई अपडेट दे देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी गालियाँ पड़ी है, तो इस वजह से यहाँ पे वो अपना रेपुटेशन को जो है और नहीं ख़राब करेंगे और हमें जो है पाई अपडेट स्टेबल अपडेट जो है 15 अप्रैल से पहले पहले दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं रेडमी नोट 7 और नोट 7 प्रो की। तो यहाँ पे मुझे जो है पूछा गया है कि रेडमी नोट 7 लिया जाए या फिर जो है मैक्स प्रो M2। तो गाइज मेरा अपना खुद का जो पर्सनल आपको मैं जो है राय देना चाहता हूँ कि आप जो है रेडमी नोट 7 ले, आपको दोनों में ही जो है 660 देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे रेडमी नोट 7 आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर लुक देगा और वहाँ पे आपको जो है पहले से ही एंड्रॉयड पाई स्टेबल मिल रहा है, तो आप जो है रेडमी नोट 7 पे जा सकते हैं। और रेडमी नोट 7 प्रो की बात करूँ तो वो तो एक किलर फ़ोन है जहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। तो आप जो है अगर कोई जो है 15,000 से 20,000 रुपये के बीच में कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आप जो है रेडमी नोट 7 प्रो आग बंद करके ले सकते हैं। रियलमी 3 प्रो आने वाला है, कब आने वाला है इसकी कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी जो हाल फिलहाल हमारे सामने कोई एक किलर फ़ोन है तो वो है रेडमी नोट 7 प्रो। तो यहाँ पे आपको जो है मेरे चैनल पे भी वो देखने को मिल जाएगा। इस सेल में जो है मुझे वहाँ पे 128 GB वाला जो है नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे इस फेक सेल में मैंने जो है इसको ऑर्डर नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे जो है रेडमी नोट 5 प्रो और रेडमी नोट 6 प्रो। तो यहाँ पे जो है रेडमी नोट 5 प्रो वाले जो है नाराज़ हो चुके हैं क्योंकि उन्हें जो है एंड्रॉयड पाई इस बार नहीं मिला है, लेकिन रेडमी नोट 6 प्रो में जो है एंड्रॉयड पाई मिल चुका है बीटा में। वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो से भी, लेकिन जो है एंड्रॉयड पाई का अपडेट आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट अपडेट में जो है नेक्स्ट वीक आपको जो है उसमें एंड्रॉयड पाई देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बस आपको वहाँ पर जो है ऑडियो के बदले जो है एंड्रॉयड पाई देखने को मिल जाएगा। तो फिर भी यहाँ पे जो है कुछ फ़ोन में डिले हो चुका है और कुछ फ़ोन में जो है आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने जो है अपने एक वीडियो में बताया था जहाँ पे एंड्रॉयड क्यू का लॉन्चर पोर्ट किया गया है नॉन पिक्सल डिवाइस के लिए जो चलता है एंड्रॉयड पाई पे। तो यहाँ पे मैंने बताया था उस वीडियो में जहाँ पे मुझे पता चला था कि जो है 8.1 पे भी ये काम करता है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सॉरी यार, यहाँ पे आपको है जो है एंड्रॉयड पाई वाला डिवाइस चाहिए अगर आप जो है एंड्रॉयड क्यू का लॉन्चर आपके फ़ोन में जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बस दोस्तों यही थी आज की छोटी सी वीडियो जहाँ पे हमने ZenFone Max Pro M1 M2 और Max M2। तो गाइज़ यहाँ पे जो है आपको 15 अप्रैल से पहले पहले अपडेट मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप जो है इसके बारे में कोई टेंशन ना ले। और जो है Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 6 Pro के बारे में मैंने बताया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना, और अब तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। ये तो हमारा आज का पहला Q&A एपिसोड, इसके बाद आपको जो है हर संडे या सैटरडे आपको जो है Q&A एपिसोड मिल जाएगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप वो जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको जो है ज़रूर लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।